मन का विष क्या है? मन का विष मान, मान, अभिमान, अहम, ये मन का विष है। मद और मान में अंतर है। मद तो किसी कारण से कुछ समय के लिए आता है, कारण समाप्त चला जाता है। किसी को अपने प्रतिष्ठा का मद है, अपने पद प्रतिष्ठा का मद है, पद गया तो मद भी उतर गया, मद उतर जाता है। जैसे शराबी मदिरा पीता है ना, तो मदिरा का नशा होता है, नशा उतर गया, मद उतर गया उसका। ऐसे ही ये मद जो जीवों को समय समय पर, जीवों पर आक्रमण करता है, वो मद इतना हानिकारक नहीं है। वो कारण के समाप्त होने पर, कारण के नष्ट हो जाने पर चला जाता है। इसलिए गोपियों को क्या हुआ? सौभग मदम, मद हो गया, इसलिए चला भी गया। श्री कृष्ण ने विरह दिया, मद चला गया। लेकिन मान, ये मान जो है, ये मन का, मन की वृत्ति है, ये मन की अंदरूनी आंतरिक वृत्ति है मान। और ये मान, ये किसी संसारी चेष्टा से नहीं जा सकती है, ये स्वभाव है, ये जाएगा केवल परम श्रेष्ठ का आश्रय ग्रहण करने से, सत्संग से, शरणागति से, भक्ति से। भक्ति ही एकमात्र उपाय है इस विष से मुक्ति दिलाने का, उस परम श्रेष्ठ को प्राप्त करने का। तो मान मन का विष है और मन का अमृत है निर्मम हो जाना, निराभिमानी हो जाना, दीन हो जाना, तृणादपि सुनीचे। ये मन का अमृत है, दीनता, सहिष्णुता। तो इस प्रकार से गोपियां परम श्रेष्ठ से कहती हैं, हे ऋषभ, तुमने हमारी इस चिंताग्रस्त स्थिति में, ये भय से, ये परेशानियों से हमारी रक्षा की, क्योंकि हे ऋषभ, हमने तुम्हारा आश्रय ग्रहण किया। तो परम श्रेष्ठ का ही आश्रय हो।